हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिंपल एंड यूनिक किचन में। मेरा नाम है शालिनी। फ्रेंड्स, आज मैं सूजी का कुछ अलग ही स्टाइल से नाश्ता बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत सिंपल है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए सूजी का अलग हटके नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूजी लेते हैं और एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और नमक और सूजी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सूजी और नमक अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें दही डालते हैं। ये हमने दही को अच्छे से मथकर रखा था, मतलब कि अच्छे से इसे चला के रखा था, इसे हमने इसमें डाल दिया है और इसमें अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी डालते हैं, जितना हमें नीड लगे, क्योंकि अभी हमें सूजी को अच्छे से भिगोना होता है, तो हम उतना पानी डाल देते हैं। अभी इसकी आप कंसिस्टेंसी देख लेना कि कितना हमें पानी डाल के इसे भिगो कर रखना होता है। 10 मिनट के लिए हम सूजी को अपने भिगो के रखते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ये हमने पानी डाल दिया, अभी हमें और ज़रूरत लग रही है तो हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। ये अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं। थोड़ा डालते हैं, एक पिंच बस, ज़्यादा नहीं, एक पिंच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इतना हमें इसका गाढ़ा पतला जो बैटर है रखना होता है। इसे ढक कर 10 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक वो सेट हो रहा है, हम इधर उबले हुए आलू और पनीर ले लेते हैं। अगर आपके पास पनीर अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ आलू भी ले सकते हैं। और इधर हमने कद्दूकस के लिए एक महीन वाला जो कद्दूकस होता है वो ले लिया है। इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेते हैं, फिर हम पनीर को भी लेकर अच्छे से इसमें कद्दूकस जो है कर लेते हैं। ये हमारे आलू और पनीर कद्दूकस हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले हम नमक डालते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं, क्योंकि हमने सूजी में भी नमक डाला है तो इसलिए हम उस हिसाब से इसमें नमक डालते हैं। फिर हम लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं थोड़ा सा। ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं। गरम मसाला डाल देते हैं इसमें हम थोड़ा सा, और चाट मसाला इसमें हम डाल देते हैं। चाट मसाला थोड़ी ठीक क्वांटिटी में डालते हैं, अच्छा लगता है इसमें। और थोड़ा अमचूर पाउडर इसमें हम डाल देते हैं। ये हमने बारीक कट की हुई हरी मिर्च ली है, ये इसमें हम डाल देते हैं। और इसमें हम कद्दूकस की हुई अदरक भी डाल देते हैं। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से चलाते हुए इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं सारे मिश्रण को, कि हमारा ये सारा जो हमारा मिश्रण है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। स्पून की मदद से, अगर आप हाथ की मदद से करना चाहते हो तो आप हाथ से भी इन्हें अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे सारे मसाले जो है, आलू पनीर सब में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये हमारी स्टफिंग जो है तैयार है। इधर हम सूजी देखते हैं। ये देखिए, हमारा बैटर भी अच्छे से सेट जो है वो हो गया है। इसे अभी ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसे हम थोड़ा पानी डाल के थोड़ा पतला कर लेते हैं। हमें ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं चाहिए होता, इसलिए हम थोड़ा सा इसे पतला कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए, हमें इतना ही पतला बैटर इसका चाहिए होता है। ये हमारा बिल्कुल जो है सेट हो गया है, बिल्कुल अच्छे से रेडी है हमारा ये बनने के लिए सूजी का नाश्ता। इधर अब हम एक चौकदानी या फिर आप कोई भी बर्तन अपने गैस पे रखें जिसमें आप छौक लगा सके, उसमें हम थोड़ा सा घी डालते हैं। घी गर्म होने के बाद इसमें हम थोड़ा ऑयल डाल राई डाल देते हैं, मतलब ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए उसमें थोड़े कड़ी पत्ते डाल देते हैं। और कड़ी पत्ते जब हमारे अच्छे से वो छौक तैयार हो जाए, हम इसे सूजी के ऊपर ले जाके डाल देते हैं और सूजी के ऊपर से अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा छौक लगने के एक मिनट बाद डालते हैं, थोड़ा जब ये हल्का ठंडा हो जाए, एकदम गरम गरम में छौक को सूजी के ऊपर हम नहीं डालते हैं, थोड़ा ठंडा होने के बाद डालते हैं। अब हम इधर एक पैन गैस पे रखते हैं, उसे गरम होने देते हैं और इस पर थोड़ा सा घी डाल देते हैं। थोड़ा घी डालते हैं, अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हो तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और ये जो हमने सूजी को हमने तैयार किया था, इसका जो बैटर, वो इसमें हम अच्छे से डाल देते हैं। आप देख सकते हैं हमें किस टाइप से इसे सूजी के बैटर को इस पर डालना होता है। इसे डालने के बाद हम ये जो स्टफिंग हमने तैयार की है वो लेते हैं और इसके गोल गोल बॉल बनाते हैं। इसे अच्छे से एकदम पिचका लेते हैं। जितना आप बड़ा, जितना हमने बैटर उस पे फैलाया है पैन पे, उतना ही बड़ा हम इसका ये जो है गोल कर लेते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर बीच में ले जाके रख देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। इस वीडियो में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर दोबारा हम सूजी का बैटर लेते हैं और ये जो स्टफिंग है उसके ऊपर अच्छे से चारों तरफ फैलाते हुए डाल देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। इसे बिल्कुल कवर कर देते हैं इस टाइप से। और फिर इसे हम अब थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं साइड से, बस हल्का सा, कि हमारा सिकने पे आ जाए। और मीडियम गैस रखते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं रखते हम इस पे गैस, है।
अब इसके बाद हम इसे थोड़ा ढक देते हैं, मतलब 2 मिनट लिए ढककर पकाते हैं, तो जैसे कि अच्छे से नीचे से सिक कर जल्दी से और अच्छे से आ जाए। 2 मिनट बाद हम देखेंगे, अगर आपको लग रहा हो अभी नहीं सिका है तो आप 2 मिनट लिए और रख दीजिए। इसे हम पहले देख लीजिए, अब थोड़ा थोड़ा कलर आने लग गया है तो इससे पता चलती है कि सिक रहा है, तो आप पहले स्पून से हटाइए। अगर नहीं हट रहा है तो आप 2 मिनट और सेक सकते हैं, लेकिन अगर हट रहा है इसे आसानी से तो इसे हटा के फिर पलट दीजिए। आप एक और स्पून की मदद से इसे पलट दीजिए और इसे फिर बीच में लेकर आके इस पर थोड़ा सा ऑयल और डाल दीजिए ताकि वो नीचे की तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। इस टाइप से इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं और फिर हम इसे थोड़ा हिलाते हैं इस ऑयल को, इसे बीच में कर देते हैं। फिर हम इसे बीच में लेकर आके इसे हम फिर ढककर इसे 2 मिनट के लिए इसी तरीके से ढककर जो है हम पका लेते हैं। इससे ये जल्दी भी पकता है और अच्छा भी बन के आता है। इस टाइप से हम इसे ढक देते हैं और फिर पका लेते हैं। अब 2 मिनट बाद हम फिर देखेंगे कि हमारा ये रेडी हुआ नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि तैयार है, नीचे से भी सिक गया है, तो आप इसे अपनी प्लेट में निकाल लीजिए। अगर आपको लग रहा है अभी नहीं सिका है तो आप 2 मिनट और सेक सकते हैं। जैसे ये देखिए आप कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल तैयार हो गया है ये हमारा नाश्ता और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये गोल कैसे आ रहा है, अभी हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा, तो मैं इसमें बताती हूँ कि आपको इसे गोल कैसे करना है। दोबारा से हम इसमें डालते हैं, मतलब अपने नेक्स्ट बनाने के लिए ये डाल दिए हमने बैटर पहली बार की तरह से ही, बिल्कुल ऐसे बैटर डाल देते हैं। फिर हम वही स्टफिंग अपनी बना के जो हमने गोल करके अपने अच्छे से पिचका के ली थी वो अपनी स्टफिंग ले लेते हैं। अच्छे से पिचका के इसे बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे तैयार कर लेते हैं और फिर इसके बीच में रख देते हैं। अब इसके ऊपर हम दोबारा से ये सूजी का जो है बैटर डाल देते हैं, अच्छे से चारों तरफ से इसे कवर कर लेते हैं। इसे आप घर पे जरूर ट्राई करें, ये बिल्कुल लाइट वेटेड भी रहता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा हम ऑयल नहीं डालते हैं। आप कम ऑयल में भी इसे सेक सकते हैं और खाने में स्वादिष्ट लगता है। इसे सूजी बहुत लाइट रहती है, नुकसान भी नहीं करती तो रहता है। अब इसे डालने के बाद 1 सेकंड बाद आप इसे हल्का हल्का स्पून से, जिस भी स्पून से आप सेक रहे हैं उसे हल्का हल्का करके हुए प्रेस कर दीजिए इसे गोल गोल शेप में। देखिए आराम से प्रेस भी हो गया, बिल्कुल गोल बन के आया है। इस टाइप से गोल भी बन जाता है हमारा, इसलिए आप ये मत सोचिए कि टेढ़ी मेढ़ी शेप आएगी, एकदम गोल बन के आता है इसके और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसे सेक लेंगे अपनी जिस तरीके से हमने पहले सेका था और इस टाइप से हमारा ये नाश्ता तैयार है। उम्मीद करती हूँ सूजी का नाश्ता पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स आप किस तरह का नाश्ता देखना पसंद करेंगे अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।